बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 तारीख को बनारस में रैली होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री सह उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है और जो व्यवस्थापक हैं उन पर लगातार दबाव बनाया गया है और इस तरीके से जो सभा स्थल था उसे देने से इनकार कर दिया गया, इस कारण से रैली को स्थगित कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि अब हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से ही पूछेंगे कि नीतीश कुमार की रैली बनारस में होनी चाहिए या नहीं। 24 तारीख की जनसभा थी और जहां पर जनसभा करने के लिए हम लोगों ने देखा किया था जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान, वहाँ पर 5 दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहाँ पर आपको सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चलने की बात कही जा रही, चलाने की बात कही जा रही है, यानी उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है, उसको भयभीत किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, लोकतंत्र ख़त्म करना चाहती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सभा करने नहीं देना चाहती है। इससे यही प्रमाणित होता है, यही बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। और अब तो हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी की सभा उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जनता इजाज़त देगी तो सभा करेंगे और उसके लिए स्थान भी खोजने के लिए अपने साथियों को निर्देश दिया है। जब इजाज़त देगी तो जो स्थान मिलेगा उपयुक्त उस पर हम लोग सभा करेंगे। क्या 24 तारीख को ही जनसभा होगा इससे पहले? नहीं, अब तो 24 को नहीं होगा, अब 24 के बाद ही होगी, लेकिन पहले जनता से अब उनसे पूछा जाएगा, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा, वो इजाज़त उनसे लेने के बाद ही डेट तय करेंगे और जगह चिन्हित करने के लिए साथियों को लगाया गया है। अगर वो कहेंगे तो जगह भी चिन्हित करके और फिर वहाँ पर हम लोग सभा करेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चलने की बात कही जा रही, चलाने की बात कही जा रही है, यानी उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है, उसको भयभीत किया जा रहा है।